एसओजीओ सेसागंज पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय मिलावटी शराब तस्कर गिरोह का हुआ पर्दाफाश। सरगना समेत गिरोह के 8 सदस्य हुए मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। कब्जे से एक ट्रैक्टर समेत कुल करीब 20 लाख रुपए से अधिक कीमत की अवैध अभिमिश्रित शराब बरामद की गई है। उत्तराखंड का चंदन सिंह बिष्ट गाड़ियों की सप्लाई करता है, ऑर्डर लेता है। हरियाणा का डीके मलिक स्प्रिट के कंसाइनमेंट की डिलीवरी का जिम्मा उठाता है, जबकि सुकाहवा क्षेत्र का विवेक ओझा अपमिश्रित माल को स्थानीय स्तर पर खपाने का काम करता है। गिरफ्तार विवेक ओझा कुख्यात D47 ग्रोह के मुख्य बदमाश रामू जाट और सुखबीर यादव के साथ काम करता था। विवेक ओझा इस धंधे द्वारा जल्द ही करोड़पति बनकर राजनीति में जाने का मन बना रहा था, अब जेल जा रहा है। व्यापक जनहित का शानदार काम करने वाली पुलिस टीम को फैजाबाद SSP अजय कुमार पांडे ने 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। फैजाबाद से संवाददाता राजेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। ये माफिया उत्तराखंड, हरियाणा और यूपी उत्तर प्रदेश के सिकुआबाद के रहने वाले हैं। अंतर्राज्यीय गैंग है ये शराब तस्करों का। इनको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनके कब्जे से 20 लाख रुपए से भी ज़्यादा कीमत की बनी बनाई शराब के साथ साथ अपमिश्रित शराब भी भारी मात्रा में बरामद की गई है। कुल 1200 लीटर से ज़्यादा आयतन की शराब हमने बरामद की है। साथ ही साथ इनसे एक ट्रक बरामद हुआ है, एक ट्रैक्टर बरामद हुआ है। ये कुल 8 लोगों का गैंग सामने आया है। 3 लोग अभी इसमें से फरार भी बताए जा रहे हैं, आगे की इन्वेस्टिगेशन में उसका खुलासा होगा। इसमें चंदन सिंह बिष्ट उत्तराखंड का रहने वाला है, जो गाड़ियों की सप्लाई करता है, जबकि विवेक ओझा ये हमारे शिकोहाबाद क्षेत्र का रहने वाला है, जो पहले रामू जाट के साथ काम करता था। रामू जाट D47 गैंग का सक्रिय सदस्य है, जिसका गैंग लीडर सुखबीर यादव है। तो इस तरह से एक बड़ा गैंग है, एक बड़ा रैकेट है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, 1200 लीटर से ज़्यादा शराब अपमिश्रित और 20 लाख रुपए इसकी कीमत है, इससे ज़्यादा की कीमत है। इनके साथ ट्रक और ट्रैक्टर को बरामद करते हुए आज इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। कौन सा मुजरिम है जो जिला पंचायत की तैयारी कर रहा था? इसमें विवेक ओझा, जो मैंने बताया शिकोहाबाद क्षेत्र का ये शराब माफिया है, जो पहले रामू जाट के साथ काम करता था, वो इस ख्वाब में कि वो करोड़पति बन जाएगा और आगे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ने का ये महत्वाकांक्षा पाल रखा है। विवेक ओझा या विवेक शर्मा इसका नाम है, और ये इस तरह का कारनामा कर रहा था, जिसको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए।